मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन ही हम लोग पिछले क्लास में किए थे। क्वेश्चन में क्या था पिछले क्लास में हम लोग का कुछ क्या करता था, टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स साथ में कर दोनों। और अब क्वेश्चन बी पे करते हैं, तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला जो है, डैश बॉक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द कंडीशनल ऑपरेशंस फॉर चेकिंग अप्लाइंग एनी कंडीशन। कैसा कौन सा बॉक्स का यूज किया जाता है कंडीशनल ऑपरेशन के पे, ठीक है ना, उसको दिखाने के लिए, कंडीशनल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग कैसा डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे डिसीजन, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू जो है, डैश इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स। रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में फ्लो चार्ट में कैसे दिखाया जाता है, तो दूसरा जो हमारा क्या है प्रोसेस है, ठीक है प्रोसेस। तीसरा देखिए, फ्लो चार्ट जो होता है, फ्लो चार्ट इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम लॉजिक। तो क्या होता है, पिक्टोरियल या ग्राफिकल होता है, तो पिक्टोरियल दिए गए ऑप्शन, पिक्टोरियल मतलब कोई फोटो वाला रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लो चार्ट, ठीक है। चौथा जो है, डैश इज ऑलवेज यूज्ड इन पेयर व्हाइल डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट। हमेशा इसमें कैसे पेयर में यूज किया जाता है, फ्लो चार्ट के समान प्रकार का ये सारा जो है कनेक्टर होगा, क्या होगा कनेक्टर। आज के लिए तैयार रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग सीडी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फोन आ गया।